हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं मटर पुलाव। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस ईजी मटर पुलाव की रेसिपी को शुरू करते हैं। मटर पुलाव या पीस पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया एक ग्लास बासमती चावल। अगर वेट से मेज़र करें तो 200 ग्राम चावल है, मैंने यहाँ पे ग्लास से मेज़र किया है। तो एक ग्लास चावल के लिए हम 1.25 यानी सवा ग्लास पानी यूज़ करेंगे। मटर मैंने लिया है 100 ग्राम। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ किया है, पर आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 तेज़पत्ता लिया है मैंने, थोड़ा सा दालचीनी ले लें, 2 छोटी इलायची इसे तोड़ लें, 1 बड़ी इलायची इसे भी तोड़ लें, थोड़ा सा जावित्री लेंगे हम। मैंने इस पुलाव में जीरा नहीं यूज़ किया है, आप भी ना करें। थोड़े से कैश्यू ले लें 12 से 15 के करीब। घी मैंने लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच, अगर आपको घी पसंद नहीं है तो तेल यूज़ करें। और नमक हम लेंगे 1/3 छोटा चम्मच। सबसे पहले हम राइस को धो लेंगे, तो उसके लिए इसे एक बर्तन में डाल दें और इसे पानी से आप 2-3 बार वॉश कर लें। और ये मैंने इसे धो लिया है। अब हम इस राइस में 1 ग्लास पानी डाल के चावल को हम 10 से 15 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चावल भीगता है तब तक मैंने गैस पर प्रेशर कुकर पैन गर्म किया है। घी डाल देंगे जैसे ही कुकर गर्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच घी यूज़ किया है। घी को गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें ये सूखे मसाले डाल देंगे और इसे ऐसे मिक्स कर दें। काजू भी डाल दें साथ में, मिला दें इसे। इन सारी चीज़ों को हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, या फिर इसे तब तक फ्राई करें जब तक काजू का जो कलर है वो थोड़ा सुनहरा ना हो जाए। और ये हमारे काजू और मसाले हल्के से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे मटर डाल देंगे, मिला दें इसे। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ किया है, इसलिए हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो मटर को 2 से 2.5 मिनट तक पका लें। तो इसे हम पकने देंगे और बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा और पकने दें और 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि मटर जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, तो चावल का पानी निकाल दें और इसे ऐसे कुकर में डाल दें। चावल को टोटल मैंने 10 से 12 मिनट ही भिगो के रखा था, तो इससे ज़्यादा इसे ना भिगोए। और मिला दें इसे। चावल को हम मटर और मसालों के साथ 1/2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, इससे पुलाव का टेस्ट अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे थोड़ा सा पकने दें, चलाते रहें इसे, नहीं तो चावल जो है वो प्रेशर कुकर के पैन में चिपकने लगेगा। और ये मैंने चावल को हल्का सा भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास लिया है, जिससे मैंने राइस मेज़र किया था सेम वही ग्लास यूज़ करें। और 1 ग्लास पानी पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। जिस ग्लास से आप चावल का मेज़रमेंट करें पानी भी उसी ग्लास से करें। तो आपने देखा 1 ग्लास पानी मैंने डाला और ये आधा से आधा, तो 1.25 ग्लास पानी मैंने 1 ग्लास चावल के लिए यूज़ किया है। आप मेज़रमेंट ध्यान में रखें, गैस का फ्लेम हाई कर दें, मिला दें इसे। चावल को मैंने 10 मिनट तक पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद 1 ग्लास चावल के लिए मैंने 1.25 ग्लास पानी यूज़ किया है। तो ये मिला दिया मैंने, नमक डाल दें, मिला दें नमक को। नमक मिलाने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे तब तक वेट करेंगे जब तक कि पानी जो है वो उबलना शुरू ना हो जाए। तो जैसे ही हम देखेंगे कि पानी उबलना शुरू हो गया है प्रेशर कुकर का, बस इसी टाइम पे हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। तो ढक्कन इसका अच्छी तरह बंद कर दें। जो हमने पानी डाला था कुकर में वो पानी जैसे ही उबलना शुरू हो वैसे ही प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें सावधानी से। और हाई फ्लेम पे हम इसे 2 सीटी तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने पहले से हाई रखा है, 2 सीटी लगाएं और उसके बाद गैस को ऑफ कर दें। तो ये पहली सीटी लगी, ये दूसरी, और गैस को ऑफ कर देंगे हम। और प्रेशर कुकर को हम अच्छी तरह ठंडा हो जाने देंगे, इसे बीच में ना खोलें, नहीं तो राइस जो है वो गीला रहेगा और कच्चे रहेंगे। तो आप एक बार चेक करें ऐसे विसल उठा के, और इसका जो प्रेशर है वो निकल गया है। तो इसे सावधानी से खोलें
और आप देख सकते हैं कि ये हमारा पीस पुलाव तैयार है प्रेशर कुकर में। इसे बनाने में हमें मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगे हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे एक बार मिक्स कर दें। अगर आप प्रेशर कुकर का ढक्कन तुरंत खोलेंगे तो राइस में थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, इसलिए आप इसे ढक्कन खोल के 4-5 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद सर्व करें। सर्व करने के लिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि सारे राइस अलग अलग दिख रहे हैं इसमें। और ये हमारा मज़ेदार मटर पुलाव तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म अपनी फेवरेट करी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।